हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिफाली गिद्रवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। आज मैं डिस्कस करूंगी कि ड्यूटी ड्रॉबैक और IGST दोनों अब साथ साथ कैसे चलेंगे। गवर्नमेंट ने 3 महीने का ट्रांजिशन पीरियड दिया है, तो दोनों मतलब 3 महीने के अंदर अंदर आपको जो करंट वाले हैं वो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक अपने खत्म कर लेने होंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ड्यूटी ड्रॉबैक आपको कब मिलता है। जब आप इम्पोर्ट करते हो या मैन्युफैक्चर करते हो कुछ गुड्स को, उन पर टैक्स पे करते हो, एक्साइज ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी और BCD होती थी, और उसके बाद आप उनको एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट के टाइम पे आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है, जिसके लिए हम लोग AIR फाइल करते हैं। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन रियलाइज होता था, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली कहा भी था नोटिफिकेशन में कि ड्यूटी ड्रॉबैक अभी कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे एक गाइडेंस नोट आया है डिपार्टमेंट की साइड से, तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप अब करंट GST में मुझे क्या ऑप्शन दिया गया है कि मैं IGST पे करके उसका रिफंड ले सकती हूँ या फिर मैं ITC का रिफंड भी ले सकती हूँ। तो क्वेश्चन ये राइज होगा कि क्या मुझे दोनों मिल जाएंगे, ड्यूटी ड्रॉबैक भी मिल जाएगा और IGST का रिफंड भी मिल जाएगा। आंसर इज नो, दोनों साथ में रहेंगे, लेकिन आप ड्यूटी ड्रॉबैक में अगर हायर वैल्यू के लिए रिफंड अप्लाई कर रहे हैं तो आपको IGST का नहीं मिलेगा। मतलब वहां पे आप फिर IGST वाली अमाउंट का करोगे नहीं रिफंड क्लेम, तो आपको IGST का रिफंड इधर मिल जाएगा और लोअर अमाउंट का यानी कि लोअर रेट पे आप वहां पे DBK अपना क्लेम कर लोगे। तो उधर फिर DBK में आपको सिर्फ जो आपकी कस्टम ड्यूटीज है सिर्फ उनका आपको रिफंड मिलेगा, और इधर आपको जो IGST है उसका रिफंड मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोनों पैरेलल चलेंगे 7 साल। तो जो आपके अभी करंट गुड्स हैं जिनसे आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो वो आप अभी करंट पीरियड तक कर सकते हैं, 3 महीने के पीरियड तक, जिन्होंने ट्रांजिशन पीरियड दिया है। सेक्शन 74 एंड 75 जो है कस्टम्स एक्ट 1962 के, वो इन प्रोविजंस को कवर करते हैं। तो अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप एक बार रेफर कर सकते हैं उन दोनों सेक्शंस को। 75 में आपको DBK मिलता है एक्सपोर्ट्स के लिए, जहाँ पे आप इंपोर्टेड या एक्साइज पेड गुड्स से एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये वो बेसिक प्रोविजंस थे। तो कुछ हमारे प्रोविजंस में चेंज भी हो जाएंगे, कस्टम्स प्रोसीजर्स में चेंज हो जाएंगे। कस्टम्स की एक जो आपकी बिल ऑफ एंट्री होती है उसका एक न्यू फॉर्मेट है जो गवर्नमेंट रिलीज कर चुकी है, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप प्लीज़ उस फॉर्मेट को एक बार रेफर करें और उसको आप लोग यूज़ करें। तो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। दिस इज अ शॉर्ट वीडियो सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट ने कहा कि DBK यानी कि ड्यूटी ड्रॉबैक इज ऑल्सो देयर और साथ में फिर IGST लगा कि हम लोग कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर किया है कि आप वहाँ पे अगर रिफंड क्लेम कर रहे हो IGST का तो इधर नहीं करोगे, तो आपको रिफंड एक जगह ही मिलेगा, लेकिन टोटल का आपको मिल जाएगा, करंट ड्रॉबैक भी आपको मिल जाएगा और IGST जो चार्ज करोगे आप उसका भी आपको मिल जाएगा। तो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर चैनल।